नमस्कार, डीसी रियासी इस समय जिला अस्पताल रियासी में बने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के पास पहुंचे हैं और निरीक्षण किया जा रहा है। डीसी रियासी परमजीत सिंह जी इससे पहले घूमने रहते हैं और आज यहाँ पर कुछ घंटों में पहले अपना कार्यभार संभाला है और अभी जिला अस्पताल रियासी पहुँचे हैं। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भर में वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है, हेल्थ डिपार्टमेंट का वो भी वहाँ पर मौजूद है और अभी एक बात करते हुए तस्वीरें देख सकते हैं आप साफ तौर पर। डीसी रियासी चरणजीत सिंह यहाँ पहुँचे हैं जिला अस्पताल रियासी में। तस्वीरें देख रहे हैं आप तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर पहुँची है और अब जो है वो पूरा जायजा लेने की कोशिश जो है वो की जा रही है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में तो डीसी रियासी चरणदीप सिंह जी ने सिंह जी इस समय जिला अस्पताल रियासी में बने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट में पहुंचे हैं और निरीक्षण ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का किया जा रहा है। लगातार जिस तरह से खबरें जिला अस्पताल रियासी से सामने आ रही थी उसके बाद जो है कल शाम को जो है एक ऑर्डर भी सामने आता है जिला विकास आयुक्त रियासी जो पहले थे अजय कुमार शर्मा जी उनकी ट्रांसफ़र होती है और उसके बाद जो नए डीसी रियासी हैं चरणदीप सिंह जी वो अपना पदभार संभालते हैं डीसी रियासी के तौर पर। और इस समय वो आज ही आपको बता दें कि उन्होंने अपना पदभार संभाला है और करीब 3 घंटे पहले और अब वो जिला अस्पताल रियासी में बने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट में इस प्लांट का निरीक्षण करने पहुंचे हैं, इसकी जानकारी लेने पहुंचे हैं और ये लाइव विजुअल्स जो हैं आप रियासी अपडेट्स में जिला अस्पताल रियासी में बने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट से देख रहे हैं। यहाँ पे मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो है हॉस्पिटल के वो यहाँ पर आपको तस्वीर में दिख रहे हैं और बोलो सर कि आप
कल ये यहाँ नहीं होना चाहिए, कोई भी एक सामान यहाँ पे नहीं होना चाहिए। आप असेसमेंट करिए सीएमओ सर, कहाँ पे आपके इम्प्लाइज किया जा सकता है वहाँ भेज दीजिए, कहाँ नहीं करना है ये क्या है। ये तो बहुत अच्छी मशीन है, सीएमओ सर इंश्योर करिए कि ये आपका पर्टिकुलर प्लेस पे चला जाए, नो डाउट। अब क्या इसमें एक्सेस करोगे, क्या है जी डिस्कवरिंग है कुछ भी ज़्यादा करती हूँ रजिस्टर ज़्यादा लोग कौन सा पेशेंट क्या करके कहाँ जा रहे हैं, क्या नाम है आपका, हाँ कब से हो यहाँ पे। अब आप दोस्ती कितनी देर होगी, ये रिस्पॉन्सिबल है, ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होना चाहिए। जिला अस्पताल रियासी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, डीसी रियासी जो हैं वो जिला अस्पताल रियासी में पहुंचे हैं और निरीक्षण किया जा रहा है। आप लाइए उसको सीएम साहब, देखिए कब से काम पूरा हो गया, कल से
आपने पैसे वैसे इनको दिए हो? किसने देने? ऊपर बड़ी मीन ऊपर क्या ऊपर ये कौन देखता है सारा स्टेशन आप देखते हो कौन किसने दिए आपको पता ही नहीं है फंडिंग कौन कर रहा है किसने काम किया हुआ बैठे हुए हो गया ये भी चलेगा आप इंश्योर करिए आज शाम को 10 बजे से पहले सीएमओ साहब को बता दीजिए ये क्या प्रोजेक्ट है कितने का प्रोजेक्ट है कंप्लीशन टाइम क्या है ठीक है और ये मुझे बता दीजिए ये क्या किसका प्रोजेक्ट है ये कितना कितने का प्रोजेक्ट है तो सर ये अब दे हैव टू कंप्लीट इट विद इन 33 एंड इट इज वन ऑफ द मेगा प्रोजेक्ट एंड टाइम क्या है कौन सा साल है सर 278 अभी इन्होंने मार्च का लिया था पहले कि मार्च को सर फिर बोला इन्होंने अप्रैल में सर अभी भी नहीं दिया हम तो इनके साथ करेस्पॉन्डेंस करते रहते हैं बोलते रहते हैं किससे बात करते हो आप सर हमने एक्सचेंज भी बोलते हैं एक्सचेंज भी बोलते हैं सर लास्ट कम्युनिकेशन कब दिया 10-15 दिन से सर हो गया नहीं इसको ऊपर टेकअप करना पड़ेगा ऐसे तो नहीं होगा चिट्ठी लिख के आप बैठ जाएंगे वो तो नहीं होगा आप किसके साथ आए हो खुद भी मारे क्या बात है आपको इनके साथ क्या प्रॉब्लम अच्छा डॉक्टर साहब देख लिया दवाई दे दी ठीक दवाई मिल गई आयुष्मान कार्ड बनाया आपका कार्ड नहीं बनाया मेरे फादर साहब मेडिसिन दवाई मिल गई ना कब लगाते हो डेली बेसिस
इसके बाहर होना चाहिए दूसरे डोंट स्टाइक ठीक है पता तो सब कुछ अच्छा चुका है लेकिन ये होना चाहिए कुछ कुछ कई बार कोई बाहर से आता उसको पता नहीं ये खुदा ने देखा पता नहीं करना क्या वो देखेगा कि हाँ अंदर घुसने से पहले मास्क होना चाहिए है ना अंदर यहाँ पे वॉशरूम है वहाँ हाथ धोने चाहिए ऐसा ही किसी जगह लगाइए ठीक है निरीक्षण है वो किया जा रहा है इंस्ट्रक्शन विभिन्न चीज़ों को लेकर दी जा रही है तमाम जो खामियां वो भी यहां पे देखी गई हैं और उसको लेकर भी जो निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं और कुछ समय भी दिया गया है कुछ चीज़ों को लेकर कि उस समय तक जो है वो चीज़ें स्पष्ट उनके समक्ष रखी जाएँ तो आगे की जो तस्वीरें हैं वो भी आपको पहुँचाने की कोशिश करेंगे
कैसे कर रहे हो? कोई भी आ रहा है वॉलंटियर में? नहीं वॉलंटियर नहीं बन एक हमारा जो एक पेशेंट जिसको आज डिस्चार्ज कर रहे हैं मीशा, वो 70% सैचुरेशन में आ रहा है। अदर कॉम्प्लिकेशन डायबिटिक पेशेंट है हमारे पास जिसका 93 में कह रहा हूँ डायबिटिक। We have one more patient who got discharged in Shamlal. He has ischemic heart disease, hypertension. कहाँ से आते हैं? Local ही हैं। रियासी की ये दिन पास पास की। जिनको पार फ्लम से भी है आपके पास? पार फ्लम से हमारे पास। पोनी से पकड़ से एक पोनी की ड्यूटी से। पोनी से दो है सर। रियासी ले रहा है ये डिस्चार्ज। सर हरजीत को है जो हमारे पास है। We came with a 74 package. हम कैसे जाएंगे ऐसे? She came with a अगर मॉडल से सारी ये जाएंगे। ऊपर को लोग क्यों कैसे इसका भी जाएंगे सब की बात जाएंगे। किस तरीके से सेंटर सर 84 है हमारे बड़े, जिनमें से 40 है हमारे इधर। ऊपर क्या ऑफिस देखिए।
ऊपर ऊपर सर थोड़ा पीछे हो जाए ठीक है, एक मिनट सर थोड़ा सा पीछे गैप कर लो ना यार सर थोड़ा बैक पीछे आ गए थोड़ा सा पीछे थोड़ा ठीक है आप लोग बिल्कुल क्राउडेड हो यार थोड़ा हो जाओ थोड़ा भाई सर सबसे पहले तो आपका रियासी में स्वागत है कैसे लग रहा है सर आपने आज हॉस्पिटल में जायजा किया है क्या कुछ तैयारियां और आपका काम करने का स्टाइल सर क्या है वो भी देखिए ऐसा सबसे पहले आपको शुक्रिया धन्यवाद आप वेलकम कर रहे हो आज ही मैंने ज्वाइन किया है और जैसे आप जानते हो कि कोविड पेंडेमिक में कोविड को कंटेन कैसे किया जाए वही हायर लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एफर्ट्स होते हैं उसी सिलसिले में आज जैसे मैंने ज्वाइन किया था तो हमने एक मीटिंग अपने ऑफिस में कर ली थी और इम्पॉर्टेंट था कि एक विज़िट किया जाए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का असटेंड कर लिया जाए कि वहाँ क्या और किया जा सकता है और क्या हो रहा है उसी सिलसिले में मैं अभी आया था आपने जैसे देखा कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिसमें ऑनरेबल एलजी सर ने कहा था कि जो ऑक्सीजन सपोर्टेड जो बेड्स हैं उनको इन्हांस किया जाए अभी तो हम लोग एफर्ट्स कर रहे हैं कि वो कंटेन हो जाए जिस तरह से हो सकता है लेकिन ऐसी कुछ स्थिति आ जाए जिसमें हमें और ज़रूरत पड़े तो उसके लिए एफ़र्ट्स की ज़रूरत है तो आज हमने वो एक एक्सरसाइज की आपके सामने आपने देखा तो जो हमारा ये 100 बेडेड हॉस्पिटल है यहाँ पे अभी तो इसके पास जो अवेलेबिलिटी है ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की वो 40 है तो उसको बढ़ाने के लिए हमने एक एक्सरसाइज की है अनदर 2-3 डेज हम उसको बढ़ा देंगे जो कैपेसिटी है उसकी ताकि जो भी कोई पेशेंट्स कभी हमारे पास रेफर होकर आते हैं या हमारे पास ही आते हैं सीधे तो हम उनको ठीक तरीके से अटेंड कर सकें सर जो अपनी ड्यूटी से नदारद रहते हैं स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के जो अधिकतम दूरदराज इलाकों में सब सेंटर्स हैं वहाँ से डॉक्टर जो नदारद रहते हैं स्टाफ नदारद रहता है उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी किस तरह से इंस्ट्रक्शन जो है वो आपके जिला प्रशासन की तरफ से आएंगे देखिए ऐसा है सबसे इम्पोर्टेंट तो यही जैसे मैंने बताया कि आज की देर में कोविड पेंडिंग में को कंटेन करने का है और अभी तो जैसे मैंने बताया आज ही मैंने ज्वाइन किया तो कोई ऐसी रिपोर्ट तो मेरे पास आई नहीं कि कोई आदमी किसी जगह से एब्सेंट है या किसी भी पब्लिक से कोई ऐसा कॉल मुझे नहीं आया कि कोई आदमी वहाँ उनको अटेंड नहीं कर पा रहा है लेकिन जो कोई भी ऐसी कोताही करेगा तो जो सरकारी उस पर काम करने की एक्शन लेने की जरूरत होगी वो लिया जाएगा सर एक लंबे अरसे से लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे सिटी स्कैन मशीन नहीं है सिटी स्कैन बैंक नहीं है एक लंबे अरसे से लोग वेट कर रहे हैं कहा ये भी जाता है कि जो पैसे हैं वो सैंक्शन हो चुके हैं एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से ये कहा जाता है तो अब एक लोगों को उम्मीद आज आपसे सर जागी है क्या कुछ कहेंगे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया कि जो भी चीज़ सैंक्शन हो गई हो उसको यहाँ आना चाहिए लेकिन आपने जैसे देखा कि वहाँ एक रिक्वायरमेंट है सिटी स्कैन मशीन को इंस्टॉल करने के लिए एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है जिसके लिए कुछ जो रेट्रोफिटिंग है वो हो रही है तो अभी मैंने इंस्ट्रक्शन दी है हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब को और CMO साहब को कि इसको जल्द से जल्द जो वहाँ पे रेट्रोफिटिंग हो रही है जो भी आदमी काम कर रहा है उसको वो कंप्लीट कर ले और ताकि हम जो हमारी कॉरपोरेशन है मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन वहाँ से सिटी स्कैन मंगवा के इंस्टॉल जल्दी से जल्दी कर लें वेंटिलेटर्स तो इंस्टॉल किए गए हैं लेकिन एक्सपर्ट नहीं है उन्हें चलाने के लिए यहाँ पे ये कुछ जानकारी आपने ली हाँ बिल्कुल ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने उठाया है मैंने जब रिव्यू किया तो ये पता लगा कि वेंटिलेटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो चलाने की ज़रूरत है उनको और अभी मैंने CMO साहब से ब्रीफिंग ली थी उन्होंने कहा कि हम कुछ लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है वेंटिलेटर्स चलाने के लिए एक स्पेशलाइज्ड टीम की ज़रूरत होती है तो मैंने कहा इनको कि एक आइडेंटिफाई कर लें कि जो लोग हमारे यहाँ से ट्रेन होने के लिए बाहर जा सकें हम बात कर लेंगे डायरेक्टरेट से भी उनको ट्रेन करके यहाँ लाएंगे और मीनवाइल उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वो एक तो टीम्स हमारे पास अवेलेबल कर सकें तो वी कैन मेक दीज वेंटिलेटर्स फंक्शनल सर टेस्टिंग यहाँ पे जो कोविड की हो रही है उसमें कैबिन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है प्रोटोकॉल में कैबिन जो इन्हें मिला हुआ है उसमें शीशा जो है वो टूटा हुआ है वो नहीं लगा है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है पैरामेडिकल का स्टाफ जो है वो लोगों के पास जाके टेस्टिंग करता है खबरें भी काफ़ी चली हैं लेकिन अभी तक उसे दुरुस्त नहीं किया ओके CMO साहब सुन रहे हैं वो मुझे मेरे नोटिस में अभी नहीं था ये वी विल इंश्योर कि जो SOPs है वो उसको फॉलो किया जाए तो आपको बता दें कि DC रियासी जो हैं वो जिला अस्पताल रियासी में पहुंचे हैं और टूर उन्होंने यहां का किया है दौरा किया है और इंस्पेक्शन की है विभिन्न वार्ड्स का निरीक्षण किया है और इंस्ट्रक्शन भी काफ़ी कुछ उन्होंने यहां पे दी हैं और आपको बता दें कि अभी भी जो जिला विकास आयुक्त हैं DC रियासी हैं जिला अस्पताल रियासी हैं रियासी में हैं और मीडिया से बात वो कर रहे हैं मीडिया से भी बात उन्होंने की तमाम जो सवालात थे वो भी उनसे पूछने की कोशिश जो है वो की गई है
उसमें ये आई कैन अश्योर यू कि ऐसा नहीं हो सकता कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उस पर ऐसे ही बैठी रही होगी, क्या सर कुछ ना कुछ एफर्ट्स हुए होंगे, मैं सपोर्ट करता हूँ। सवाल था जिस प्रकार से कल हमने देखा कि ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं ले जाने दिए, सॉरी कल को अगर ऑक्सीजन सिलेंडर की जैसे नारायणा हॉस्पिटल में कमी पड़ी थी तो यहाँ से ले जाने नहीं दिए गए थे, स्थानीय प्रशासन द्वारा कुछ किया गया, रोक की गई, तो अगर कल को फिर से कोई जरूरत पड़ती है तो क्या सिलेंडर यहाँ से जाने दिए जाए ऑक्सीजन सिलेंडर या नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में? गवर्नमेंट देखिए इसमें ऐसा है कि इसमें ऑलरेडी आप जानते हो कि एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में कोई भी चीज़ ले जाने के लिए एक प्रॉपर एक SOP बना हुआ है, प्रोटोकॉल है कैसे लिया जा सकता है। अगर यहाँ हमारे पास इमीडिएट रिक्वायरमेंट है तो वहाँ भेजना कठिन होगा, ठीक है जी। लेकिन सर जिस तरह से कल पूरा मामला सामने आया था, यहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर ले जा रहे थे, क्या आपकी जानकारी में है उसके बाद एकदम डीसी रियासी का तबादला हो जाना, क्या कुछ कनेक्शन था इसमें? देखो ऐसा है कि इसके ऊपर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता कि डीसी रियासी का तबादला इस वजह से हुआ और मुझे तैनात किया गया, ये क्वेश्चन आपका इस तरह से सही नहीं आ रहा। लेकिन कोई अगर ऐसा इशू हुआ है कल वो मैं देख लेता हूँ क्या हुआ था, तो विल इंश्योर कि जो होना चाहिए वो हो। जी जी, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है वो इस समय काम कर रहा है क्या, क्योंकि ट्रायल बेसिस पर ये अभी तक चल रहा था, क्या आपने देखा? दिस इज़ गुड क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले तो मैं वहीं गया आपके सामने, 100 LPM जो है वो पर डे जनरेट करने की कैपेसिटी रखता है, और ये खुशी की बात है कि हमारे पास ही अवेलेबल है, और अभी मैंने देखा कि उस समय वो फंक्शनल नहीं था, अभी वो फंक्शनल है, तो वो आज उसने सप्लाई किया है, जनरेशन प्लांट ने सप्लाई किया है, सो दिस इज़ ए गुड न्यूज़ फॉर अस, हमारे पास अवेलेबल है। थैंक यू सर। तो जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है वो डीसी रियासी का कहना है कि अब वो जो है वो शुरू हो चुका है। तो ये लाइव विजुअल्स जो आप देख रहे हैं ये डीसी रियासी का दौरा था, और अब जो डीसी रियासी हैं वो जिला अस्पताल रियासी से निकल चुके हैं और अपने वाहन में बैठ चुके हैं और आगे के लिए वो अब निकल रहे हैं। तो चलिए फिलहाल इस लाइव वीडियो में इतना ही। डीसी जो रियासी जो हैं अब अपने वाहन में बैठ चुके हैं और वो यहां से निकल रहे हैं, कुछ बातचीत हालांकि अभी जो है CMO रियासी सुपरिटेंडेंट जिला अस्पताल रियासी के जो हैं या फिर जो कर्मचारी हैं उनसे कुछ बातचीत अभी चल रही है। डॉक्टर भी जो डॉक्टर रैना हैं वो भी यहाँ पर खड़े हुए हैं और काफ़ी कुछ जो निर्देश हैं वो भी यहाँ पर जारी किए गए हैं। और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को लेकर जब हमने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि पहले जिस तरह से ये ट्रायल बेसिस पे चल रहा था अब उन्होंने कहा कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो अब यहाँ से की जा रही है। इसके साथ ही वेंटिलेटर्स को लेकर जो एक्सपर्ट हैं वो भी उस सवाल पर भी इन्होंने कहा कि एक्सपर्ट को भी यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद जो है वो ताकि पर्याप्त रूप से सही रूप से जो वेंटिलेटर्स हैं वो यहाँ पे ऑपरेट हो सकें। तो बातचीत कुछ हो रही है वो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और डीसी रियासी आज जिला अस्पताल रियासी पहुँचे हैं और निरीक्षण किया है, इसके साथ ही निर्देश जो विभिन्न चीज़ों को लेकर सुविधाओं को लेकर दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि कल यहाँ पे काफ़ी बवाल हुआ था जिला अस्पताल रियासी में, जो सामने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बनाया गया है यहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर जो हैं वो नारायणा अस्पताल में जम्मू कश्मीर पुलिस के वाहन में डालकर शिफ्ट किए जा रहे थे, जिसके बाद स्थानीय लोग यहाँ पे पहुँचे और उस वाहन को यहाँ से जाने नहीं दिया गया। उसके बाद करीब 2 घंटे तक जो है वो बवाल चलता रहा और फिर एक बैठक CMO रियासी और सुपरिटेंडेंट जो जिला अस्पताल रियासी के हैं उनके जो स्थानीय लोग विरोध कर रहे थे उनके साथ बैठक हुई और बैठक के बाद ये फैसला लिया गया कि ये सिलेंडर वापस उतारे जाएंगे और उसके बाद वो सिलेंडर वापस भी उतारे गए। और फिर शाम को एक आदेश भी आया
कि जो जिला विकास आयुक्त रियासी हैं यानी कि डीसी रियासी हैं उनका तबादला हो गया है और उसके बाद जो है चरणदीप सिंह जी को न्यू डीसी रियासी बनाया गया और आज उन्होंने ज्वाइनिंग की है। उसके बाद ज्वाइनिंग करने के बाद कुछ बैठकें भी उन्होंने की हैं। उसके बाद अब जिला अस्पताल रियासी का दौरा उन्होंने किया है और आपको बता दें कि जब ये सवाल हमने किया कि ऑक्सीजन सिलेंडर से मचे बवाल के बाद शिफ्ट करने का जो मामला था उसके बाद मचे बवाल के बाद एकाएक जो ट्रांसफ़र हुई थी डीसी रियासी की, क्या उसका कोई कनेक्शन था, तो उस पर उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है और ये सवाल उन्होंने ये भी कहा कि सही नहीं है। लेकिन उसके बाद ट्रांसफ़र हुई है, अब ये कनेक्शन जो है कल वाले बवाल का ट्रांसफ़र के साथ था या नहीं था ये तो हम पुख्ता तौर पे नहीं कह सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ और कारण भी हों ट्रांसफ़र के, पहले से ट्रांसफ़र जो है उनकी तय हो। लेकिन कल जो बवाल हुआ था ठीक उसके बाद शाम को जो है ट्रांसफ़र के आर्डर आते हैं और उसके बाद नए जो चरणदीप सिंह जी हैं उन्हें रियासी का डीसी बनाया जाता है। आज डीसी रियासी ने दौरा किया, निरीक्षण किया और लगातार जो खबरें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी से आ रही थी, हर रोज़ खबरें यहाँ से निकल रही थी, सुविधाओं को लेकर हो, टेस्टिंग को लेकर हो, इसके साथ ही और अन्य चीज़ों को लेकर हो, तो उसके बाद जो है कहीं ना कहीं कोविड 19 के जो मरीज़ हैं वो उनके लिए ऑक्सीजन बेहद ही ज़रूरी थी। लोगों को जैसे ही पता चला कि यहाँ से सिलेंडर शिफ्ट किए जा रहे हैं और ऑक्सीजन जनरेशन जो प्लांट है अभी भी ट्रायल बेसिस पर रन कर रहा है, यानी कि वो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो पाइपों के जरिए बेड्स तक सही से नहीं हो रही है, उसके बाद जो है लोग यहाँ पे पहुँचे और बवाल सारा शुरू हुआ। और आज जो नए जिला विकास आयुक्त हैं उन्होंने जिला अस्पताल रियासी का दौरा किया है। तो चलिए फिलहाल इस लाइव वीडियो में इतना ही, मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।